आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स की मुसीबत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। सीएसके प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर है और अब उनको इसी बीच एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल सीएसके के पूर्व कप्तान और स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा आईपीएल 2022 के बचे हुए मैचों से बाहर हो चुके हैं। सीएसके के सीईओ कासिम विश्वनाथ ने पीटीआई को बताया है कि रविंद्र जडेजा सीएसके के अगले दो मैच में नहीं खेलेंगे क्योंकि उनकी पसली में चोट है, वह घर लौट चुके हैं। जडेजा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मैच के दौरान लगी चोट के कारण दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ भी नहीं खेल पाए थे। सीजन के शुरुआती 8 मैचों में सुपर किंग्स की कप्तानी करने वाले जडेजा के लिए मौजूदा सत्र निराशाजनक रहा और वह 10 मैचों में 20 की औसत से सिर्फ 116 रन ही बना सके। वह 7.51 की इकोनॉमिक रेट से 5 विकेट ही चटका पाए हैं। जडेजा की अनुपलब्धता का आधिकारिक कारण चोट को बताया गया है, लेकिन सूत्रों ने दावा किया है कि इस ऑलराउंडर को बाहर किया गया है। सूत्रों ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर पीटीआई को बताया है कि ऐसा लगा है कि इसके पीछे कुछ और वजह भी है। जडेजा ने इंस्टाग्राम पर सीएसके को फॉलो करना भी बंद कर दिया है। सोशल मीडिया पर फ्रेंचाइजी को अनफॉलो करने के जडेजा के फैसले के बारे में पूछे जाने पर सीएसके के सीईओ ने कहा है कि वो इसे अधिक तवज्जो नहीं दे रहे हैं। विश्वनाथ ने कहा है, मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसी चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और इस बार मैं आपको अधिक कुछ नहीं बता पाऊंगा।